नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है और आवेदन की स्थिति कैसे ज्ञात की जा सकती है ऑनलाइन, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में निराश्रित गरीब भी रेखा के नीचे की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग जनों के लिए जो है पेंशन योजना का संचालन किया गया है। और इस योजना के तहत जो है विकलांगजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत जो है 40% से कम ना हो, 40% या 40% से अधिक हो, तो इस योजना के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस योजना के तहत 40% दिव्यांगता की पात्रता रखने वाले जो गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी के दिव्यांगजन है उत्तर प्रदेश राज्य के, उनको ₹500 मासिक पेंशन दिया जाता है। तो दोस्तों, इस योजना में आवेदन के लिए जो है आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए और इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश का स्थायी रूप से निवासी होना भी अनिवार्य है, अर्थात उत्तर प्रदेश का नागरिक तो हो ही। और पेंशन योजना में जो आवेदन करने से पूर्व जो है स्थायी रूप से वो उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, तभी इस योजना के तहत जो है आवेदन किया जा सकता है। और पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से कम नहीं हो, 40% से जो है कम है यदि दिव्यांगता प्रतिशत, तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 40% विकलांगता होना अनिवार्य है और आवेदक की आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं हो, 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और प्रदेश में निवासरत ग्रामीण शहर क्षेत्र के जो दिव्यांग जन हैं, जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके परिवार की वार्षिक आय जो है 46,080 रुपीज होनी चाहिए, तभी वो इससे जो है वो ज्यादा होगी तो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। 46,080 रुपीज से हो या इससे कम हो तो इस योजना में जो है आवेदन कर सकते हैं पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए। और शहरी क्षेत्र के जो दिव्यांग जन है उत्तर प्रदेश राज्य के, उनके परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपीज हो या उससे कम हो तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यदि 56,460 रुपीज से ज्यादा होगी उनके परिवार की वार्षिक आय तो इस योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, आवेदन फॉर्म के साथ जो है कुछ ये दस्तावेज लगाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, तो राज्य के जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र लगाना होगा और आयु प्रमाण पत्र लगाना होगा दिव्यांग जन को जो आवेदन कर रहे हैं इस पेंशन योजना के लिए। और आवेदक के परिवार की जो है दिव्यांग जन जो आवेदन कर रहे हैं उनके परिवार की आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा और निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा उत्तर प्रदेश राज्य में जहाँ भी रहते हैं अपने घर का निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा और आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी ऑनलाइन फॉर्म में और बैंक खाता नंबर दिव्यांगजन के नाम से जो है बैंक खाता होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट का नंबर जो है आपको पता होना चाहिए और बैंक पास खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी जो है उसमें IFSC कोड जहाँ लिखा हो, आवेदक का जो है बैंक अकाउंट नंबर हो और एड्रेस घर का लिखा होता है वो वाला जो हिस्सा है बैंक अकाउंट पासबुक का, उसकी फोटोकॉपी जो है इस दस्तावेज के रूप में आपको अपलोड करनी होगी ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये सारे दस्तावेज जो है वो आपको 100 KB से अधिक ना हो इस और PDF फॉर्मेट में जो है आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्कैन करके सेव रखना होगा फोटोकॉपी उनकी स्कैन करके, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन्हें अपलोड करना होगा।
और दोस्तों जो आवेदक हैं जो पेंशन योजना में विकलांगजन आवेदन कर रहे हैं उनके वर्तमान की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी और वो फोटो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो आप अपलोड करेंगे तो KB वहाँ पर लिख कर आता है तो वो देख लेंगे 20 KB की ही फोटो जो है वहाँ पे आवेदन फॉर्म में अपलोड किया जा सकेगा। तो ये सारे दस्तावेज आपके कंप्यूटर में आपको स्कैन करके सेव करना होगा, आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरते समय इन सबको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों अब इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको गूगल ड्राइव ब्राउजर खोलना होगा और वहाँ SSPY गूगल ब्राउजर के सर्च इसमें यहाँ पे लिखकर SSPY UP.government.in लिखकर जो आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। तो सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये खुलकर आ जाएगा एकीकृत सामाजिक पेंशन, इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश के सामाजिक पेंशन वेब पोर्टल खुलकर आ जाएगा और इस वेब पोर्टल से जो है दोस्तों सभी प्रकार के जो पेंशन योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट संचालित की है उसके लिए आवेदन किया जा सकता है, स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और सूची में नाम भी, पेंशन योजना सूची में नाम भी देखा जा सकता है। तो अब इसमें हम विकलांग